हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट ज्योग्राफी हम स्टडी कर रहे थे, तो ये आपका फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एग्रीकल्चर। उससे पहले फोर्थ चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, तो नहीं देखे तो जाकर वो देखे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो पहला आपका कंटेंट है पहले क्वेश्चन का एग्रीकल्चरल कंपेरिजन, जो कि 2023 में क्वेश्चन आया था। इस पर एरेबल एरिया क्या होता है? तो इंडिया हैज द मोस्ट एरेबल लैंड। तो इंडिया के पास क्या है? सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड है वर्ल्ड में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हो सकता है उस लैंड को कहते हैं एरेबल लैंड। तो इंडिया हैज द मोस्ट एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाई द US, रसिया, चाइना एंड ब्राज़ील। तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड है, उसके बाद आपको US के पास है, फिर रसिया के पास है, फिर चाइना के पास है, फिर ब्राज़ील है। तो इंडिया, US, रसिया, चाइना एंड देन ब्राजील। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। तो चाइना के कंपेरिजन में ज़्यादा एरेबल एरिया इंडिया के पास है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरेबल लैंड एट, अगर हम उसका एरिया देखें एब्सोल्यूट टर्म में, तो लगभग कितना है? लगभग आपका 16,56,780 किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर, लगभग टोटल लैंड का 50.4% है। चाइना का सिर्फ 11.3% है, और ये 10,84,461। ठीक है, तो काफ़ी काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू देखें तो इंडिया हैज़ 156.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरेबल लैंड, विच इज़ अबाउट 47% ऑफ इट्स टोटल एरिया। तो लगभग 47% 50% के आसपास, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के हिसाब से। ठीक है, अगर हम इरीगेटेड एरिया की बात करें तो इंडिया हैज़ मोर प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड लैंड देन चाइना। तो यहाँ भी चाइना के कंपेरिजन में जो इरीगेटेड लैंड है, जहाँ पे इरीगेशन होता है, सिंचाई की जाती है, वो क्या है, यहाँ भी ज़्यादा है। ठीक है, चाइना का इरीगेशन कवर 41% है ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया, वहीं इंडिया का 48% है। तो इंडिया में जितना भी लैंड कल्टिवेट होता है, खेती की जाती है, उस पर 48% पे इरिगेशन किया जाता है, आर्टिफिशियली पानी की सप्लाई की जाती है, वहीं चाइना में सिर्फ 41% है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इरिगेशन, इस इरिगेशन के कारण चाइना का जो टोटल सोन एरिया है वो 166 मिलियन हेक्टेयर है, कंपेयर टू इंडियाज का कितना है, 198 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करें, वैल्यूड एट $1,367 बिलियन, मोर देन 3 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया, $407 बिलियन। तो यहाँ पे ना वैल्यूएशन के टर्म में चाइना आगे निकल जाता है। ठीक है, अगर बात करें प्रोडक्टिविटी की, जो एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्टिविटी है, वो चाइना का बहुत ज़्यादा है, 4.7 टन है पर हेक्टेयर, कंपेयर टू इंडिया, इंडिया का सिर्फ 2.7 है। चाइना का जो प्रोडक्टिविटी है इन मोस्ट क्रॉप इज 50 to 100% हायर देन द इंडिया, इंडिया के कंपेरिजन में 50 से 100% ज़्यादा है चाइना का प्रोडक्टिविटी। इंडिया का जो एग्रीकल्चर ईल्ड है फूड ग्रेन्स का, वो हालांकि 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है 1950-51 से लेके 2021 के बीच में। ठीक है, वहीं अगर एवरेज ईल्ड ऑफ फूड ग्रेन देखें तो 6,321 kg पर हेक्टेयर है फूड ग्रेन्स का। ठीक है, एवरेज अगर प्रोडक्टिविटी देखें पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज 2.4 टन फॉर राइस, राइस में 2.4 टन है पर हेक्टेयर, और वीट में आपका 3 टन से। वहीं अगर चाइना में देखें तो राइस के लिए 6.7 टन होता है एक हेक्टेयर एरिया में, और वीट होता है 5 टन। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, तो ये भी सही है। इसके अलावा द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना, तो ये गलत है। जो प्रोडक्टिविटी है वो आपका चाइना का ज़्यादा है, इंडिया का कम है इस केस में। तो इसके आंसर क्या हो गया, 2, only 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव पे। तो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक क्या है, इनोवेटिव क्रेडिट प्लस अप्रोच है, किसका, नबार्ड का। तो इस नाम याद रखिएगा, किसके संबंधित है, तो नबार्ड से।
विच हेल्प्स टू इंटीग्रेट ट्विन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, उसको एक साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ट्विन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम विथ रिसोर्स इफिशेंट शुगर केन कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो शुगर केन का जो कल्टिवेशन प्रैक्टिस है उसमें उसमें ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करके उसको ग्रो करना चाह रहा है इस स्कीम के तहत। इसका एम क्या है कि सुटेबल सस्टेनेबल और इनोवेटिव सेट ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए, जिससे क्या हो, जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है शुगर केन फार्मर्स के बीच में वो कम हो और एक मार्केट लिंकेज भी तैयार हो शुगर फैक्ट्रीज के लिए। तो इससे कैसे होगा, तो देर इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे कि एनपीके हो गया एट द रेट ऑफ 112 kg, 25 kg एंड 48 kg रिस्पेक्टिवली, इसका एप्लीकेशन किया जाता है। बेनिफिट्स की बात करें इसके तहत कि बेटर यील्ड मिलेगा, लो सीड कॉस्ट मिलेगा, रिड्यूस्ड फर्टिलाइजर एंड वाटर यूज मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी टू डू इंटरक्रॉपिंग। जो मेजर प्रिंसिपल इसका क्या है, SSI का, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव का, कि रेजिंग नर्सरी यूजिंग सिंगल बडेड चिप्स। देखिए, एक तरह का टेक्निक होता है जैसे नर्सरी को रेज करना, इसके अलावा ट्रांसप्लांट करना यंग सेटलिंग्स को, 25 से 35 डेज पुराना जो होगा उसको ट्रांसप्लांट कर लेना, फिर मेंटेनिंग वाइड स्पेसिंग, मेन फील्ड में वाइड स्पेसिंग मेंटेन करना, सफिशेंट मॉइस्चर प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ अवॉइडिंग इनअंडेशन ऑफ वाटर, इनकरेज ऑर्गेनिक मेथड ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए ऑर्गेनिक मेथड को इंक्रेज करना, साथ में प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स को अडॉप्ट करना और इंटरक्रॉपिंग करना फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। तो ये सब कुछ, इसके कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं। और क्वेश्चन देखें इस पे, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। तो सीड कॉस्ट इज वेरी लो देन कन्वेंशनल मेथड, तो बिल्कुल सही बात है, जो सीड कॉस्ट होगा वो क्या होगा, काफ़ी कम होगा। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस इफेक्टिवली, ड्रिप इरिगेशन को इंटीग्रेट करना है इसमें, तो ये भी है। नो फर्टिलाइज एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल, तो ये गलत बात है, एनपीके अप्लाई करते हैं इस पर। इंटरक्रॉपिंग स्कोप इज मोर एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड, इंटरक्रॉपिंग स्कोप क्या है ज़्यादा है, तो ये भी है। बी आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, क्या होता है, तो इट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन आउट ऑफ टोटल एरिया, इट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉप प्लांटेड इन द सीजन बाय यूजिंग सर्टिफाइड क्वालिफाइड क्वालिटी सीड्स अदर देन द फार्म सेव्ड सीड। जो फार्म में सेव करके रखा गया, किसान रखते हैं अपने पास सेव करके सीड्स, उसके बदले में एक सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स का यूज़ करना, तो कितना परसेंटेज यूज किया गया उसको कहा गया सीड रिप्लेसमेंट रेट। ड्यू टू ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप इंडिया सफर्स फ्रॉम ए डिसमल सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, तो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो इंडिया का काफ़ी कम है। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इनहांसिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स हेल्प्स इन अचीविंग द फूड प्रोडक्शन टारगेट्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, बट वाट इज और आर द कंस्ट्रेंट्स इन वाइडर ग्रेटर इम्प्लीमेंटेशन, देर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस, गलत बात है। नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स और वेजिटेबल प्लांटिंग मटेरियल्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। देर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सीड क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपका B3 वाली इन द करेक्ट आंसर। अब टी बोर्ड ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन था, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया एक तो कौन सा बॉडी है, तो ये आपका है स्टैचुटरी बॉडी है, स्टैचुटरी बॉडी है, तो क्रिएट किया होगा किसी एक्ट के थ्रू, तो कौन सा एक्ट, टी एक्ट 1953 के तहत इसको क्रिएट किया गया है। किस मिनिस्ट्री के काम अंदर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है। ठीक है, कंपोजिशन की बात करेंगे तो 31 मेंबर्स है इसमें, 31 मेंबर्स है इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है, जो ड्रॉन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ कहाँ से आएंगे मेंबर्स, तो एक एमपी होंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, और टी प्रोड्यूसर्स होंगे, इसके अलावा टी ट्रेडर्स होंगे, टी ब्रोकर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। जो प्रिंसिपल टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होंगे वहाँ के कुछ उनके प्रतिनिधि होंगे और कुछ ट्रेड यूनियन के भी प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, तो टी बोर्ड है
ये आपको हर 3 साल पे बनाया जाएगा। कितने साल पे? 3 साल में बनाया जाएगा इसको, ठीक है। जो टी बोर्ड का, इंडिया इंडिया का जो टी बोर्ड का हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता में है, ठीक है। और इसका कुछ ओवरसीज ऑफिस भी है, एक मॉस्को में है, दुबई में है, हैम्बर्ग में है, लंदन में है और न्यूयॉर्क में है। तो 5 जगह आपको ओवरसीज ऑफिस देखने को मिलेगा। जो मॉस्को ऑफिस है ऑपरेट्स अंडर द एम्बेसी ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है एम्बेसी है वहीं पे काम करती है। और इसका एंड एरिया ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड्स रसिया एंड द सीआईएस कंट्रीज विच कंप्राइज 50% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 50% आपका जो कम इंडियन टी एक्सपोर्ट कवर करते हैं रसिया और बाकी कंट्रीज में, ठीक है। क्वेश्चन अगर देखे तो विथ रेफरेंस टू द टी बोर्ड ऑफ टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टी बोर्ड इज अ स्टैचुटरी बॉडी। टी बोर्ड क्या है? एक स्टैचुटरी बॉडी है, ये सही है। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर मत है, तो ये गलत हो गया। टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन द बेंगलुरु, तो ये कोलकाता में है, ये गलत हो गया। बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को, दुबई में भी है और मॉस्को भी है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 एंड 4 हो जाएगा इसका, ये इसका गलत दिया हुआ है, 1 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI, जो 2022 का क्वेश्चन है इसके लिए। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, राइस को इंटेंसिफाई करने का सिस्टम है जो पहली बार डेवलप किया गया था 1980s में मेडागास्कर वाले रीजन में। और यहाँ पे क्या होता है कि राइस कल्टिवेट किया जाता है विथ एज मच ऑर्गेनिक मैन्योर एज पॉसिबल। तो ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करके राइस को ग्रो करवाया जाता है। यहाँ पे आपको इट एम्प्लॉयज यंग सीटलिंग्स प्लांटेड सिंगली एट वाइडर स्पेसिंग इन स्क्वायर पैटर्न। एक स्क्वायर पैटर्न पे वाइडर स्पेसिंग रख के जो यंग सीडलिंग होती है उसको एम्प्लॉय किया जाता है, उसको प्लांट किया जाता है। एंड विथ इंटरमिटेंट इरीगेशन दैट कीप्स द सॉइल मॉइस्ट बट नॉट इन अनडेटेड। यहाँ पे इंटरमिटेंट इरीगेशन किया जाता है ताकि जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे बट नॉट इन अनडेटेड, मतलब डूबा हुआ ना रहे, सिर्फ मॉइस्चर रहे उसमें। एंड फ्रिक्वेंट इंटर कल्टिवेशन होता है विथ वीडर दैट एक्टिवेट्स दैट एक्टिवली एरेट एरेट द सॉइल, ठीक है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ये करते हैं, इससे क्या होता है कंट्रोल्ड और इंटरमिटेंट इरीगेशन ऑफ द राइस क्रॉप में हेल्प मिलता है। और इसके बेनिफिट की बात करें SRI कल्टिवेशन की, तो यहाँ पे आपका हायर यील्ड मिलेगा ग्रेन का भी और स्टॉक का भी, और ड्यूरेशन कम हो जाएगा 10 दिनों तक, 10 दिनों से 10 दिन का लगभग। लेस चैफी ग्रेन्स मिलेगा, ग्रेन वेट इंक्रीज विदाउट चेंज इन ग्रेन साइज, साइज नहीं इंक्रीज होगा लेकिन उसका वेट बढ़ जाएगा। हायर हेड राइस रिकवरी होगा, विथ स्टैंड साइक्लोनिक गेल्स को भी, साइक्लोन्स को भी विथस्टैंड कर सकता है। कोल्ड टॉलरेंस होगा, सॉइल हेल्थ इंप्रूव्स थ्रू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इट रिड्यूसेस रिक्वायर्ड सीड्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग बाई 60 to 80%। रिड्यूस्ड मेथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एज इट इनेबल्स रिड्यूस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एग्री केमिकल्स एंड रिड्यूस यूज ऑफ इरीगेशन वाटर। तो इरीगेशन वाटर भी कम यूज हो रहा है, केमिकल्स भी कम यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ फायदे हो गया, ठीक है। सिस्टम ऑफ राइस राइस इंटेंसिफिकेशन इज ऑफ कल्टिवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस। रिजल्ट इससे क्या होगा? इससे होगा रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, सीड रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड मिथेन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। आंसर होगा D, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखते मोरिंगा एंड टैमरिंड के बारे में। तो मोरिंगा क्या है? मोरिंगा क्या होता है? ग्रीन लीफी फास्ट ग्रोइंग डिसीडियस प्लांट होता है। एक ग्रीन लीफी होगा, फास्ट ग्रोइंग डिसीडियस प्लांट है। तो मोरिंगा क्या है? डिसीडियस प्लांट है। ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है। इट ग्रोज इन वाइल्ड और इज कल्टिवेटेड इन सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन, नॉर्थ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड कंट्रीज ऑफ ओशियाना, ठीक है। ये वैसे तो वाइल्ड में ग्रो होता है लेकिन इसको कल्टिवेट भी कर सकते हैं अलग अलग देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। इसका कॉमन नेम है मोरिंगा ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक किसी को कहते हैं, मोरिंगा को ही, सहजन जो कहते हैं हिंदी में, फिर हॉर्स रेडिस, बेन ऑयल और बेंजोलिव ट्रीज, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है,
पहला ऑप्शन क्या था, मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री, इधर लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री नहीं है, ये आपका क्या है, यह डिसीडियस ट्री है, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर अगर टैमरिंड की बात करें तो टैमरिंड एक लिगुमिनस ट्री है, लिगुमिनस ट्री है, विच इज इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड नॉर्थ साउथ एशिया। ये इंडिजिनस है आपका, इंडिजिनस है किसका, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ एशिया में नहीं है। इट इज वाइडली कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ये कल्टिवेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। फॉर इट्स एडिबल फ्रूट विच इज एक्सटेंसिवली यूज इन फूड्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, ये आपका, ये भी आपका क्या हो, गलत हो गया। साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया यहाँ पे लिखा हुआ है, साउथ एशिया का नहीं है, ट्रॉपिकल अफ्रीका का इंडिजिनस है। ठीक है, इट इज कलेक्टेड मोस्टली एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। ठीक है, तो इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये सही हो गया। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है टैमरिंड को, एक्सपोर्ट करता है और मोरिंगा सीड एक्सपोर्ट करता है यूएस को, चाइना को, कनाडा को, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन कंट्रीज को। ग्लोबली जो डिमांड है मोरिंगा प्रोडक्ट का, जैसे कि मोरिंगा लीफ पाउडर हो गया, मोरिंगा ऑयल हो गया, हैज़ बीन विटनेसिंग हेल्दी ग्रोथ फॉर इट्स न्यूट्रिशनल मेडिसिन एंड कलिनरी कलिनरी यूजेस के लिए। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, बिल्कुल सही बात है। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफिल्स, तो इसका बायोफ्यूल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सही है। द ऑयल फ्रॉम मोरिंगा कंसिडर्ड टू बी मोर सस्टेनेबल बायोडीजल फीड स्टॉक देन द जेट्रोफा ऑयल, तो जेट्रोफा ऑयल के कंपेरिजन में जो मोरिंगा का ऑयल होता है वो बायोफील्ड में ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूजफुल है, तो ये सही हो गया। तो 3, 4, 5 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमा कल्चर पे, तो परमा कल्चर की बात करें, तो परमा कल्चर की बात करें तो ये एक इनोवेटिव फ्रेमवर्क है, इनोवेटिव फ्रेमवर्क है फॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल वेज ऑफ एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल वेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएट करने के लिए। और इट इज़ अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डेवलपिंग इकोलॉजिकली हारमोनियस, इकोलॉजिक तरीके से हारमोनियस, इफिशेंट एंड प्रोडक्टिव सिस्टम दैट कैन बी यूज बाई एनी वन एनी वेयर, यूज कर सकता है। ठीक है, तो परमा कल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल तरीका है जो कि इकोलॉजिकली हारमोनियस होगा, इफिशेंट होगा, प्रोडक्टिव सिस्टम होगा, ये क्या करेगा, मोनोकल्चर को डिस्करेज करता है सिस्टम में, मोनोकल्चर को डिस्करेज किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा कि एक वाइड रेंज ऑफ फूड ग्रेन्स ग्रो किया जाए, फ्रूट्स को ग्रो किया जाए, वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाए, एक फूड बास्केट को बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर बात करें सॉइल सैलिनिटी की, तो यूजेज ऑफ टेक्निक जैसे कि नेचुरल मल्चिंग हो गया, रेनफॉल हार्वेस्टिंग, लेग्यूम कल्टिवेशन इन परमा कल्चर क्रॉप्स, ये सॉइल प्रॉपर्टी को भी इम्प्रूव करता है, ये सॉइल ऑर्गेनिक मटर कंटेंट को बढ़ाएगा और सॉइल सैलिनिटी को क्या करता है, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस होगा इससे। ठीक है, अगर बात करें सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन जो है, जो परमा कल्चर ये फोकस करेगा वाटर मैनेजमेंट पे, वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सो इट इज़ वेरी मच सुटेबल फॉर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। तो ये जो है आपका एरिड और सेमी एरिड रीजन में भी सुटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में फोकस किया जाएगा, वाटर मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, लेस मशीनरी टू बी यूज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, लेस मशीनरी यूज किया जाएगा, सीजनल एग्रीकल्चर होगा, मल्टी क्रॉपिंग की जाएगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा, तो इस कंबाइंड रूप से सारे प्रोसेस को कहा जाता है परमा कल्चर। क्या कहा गया, परमा कल्चर। ठीक है, मल्चिंग क्या होता है, दैट इज बेसिकली इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मटेरियल टू द फील्ड सॉइल सर्फेस जस्ट आफ्टर सोइंग एनी क्रॉप, तो फील्ड सॉइल सर्फेस पे क्या करते हैं, किसी क्रॉप को सो करने के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर उस पर इन्वॉल्व कर देते, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, द मटेरियल कुड भी ऑर्गेनिक, मटेरियल कुड भी ऑर्गेनिक हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, जैसे कि पैडी स्ट्रॉ हो गया, शुगर केन बार्क हो गया, ड्राई ग्रासेस और ट्री लीव्स एंड इवन न्यूज़ पेपर्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि पॉलीथीन सीट हो सकता है। इट इम्प्रूव्स क्रॉप यील्ड, ये क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करेगा और ऑप्टिमाइज करेगा वाटर यूज को, विच इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ परमाकल्चर। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग कंपोनेंट दिया हुआ है परमा कल्चर का, क्रिएटिवली यूज एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज। ठीक है, ऑब्जर्व एंड इंट्रैक्ट, कैच एंड स्टोर एनर्जी, ऑब्टेन अ यील्ड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या था, हाउ इज परमा कल्चर फार्मिंग
डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो परमा कल्चर फार्मिंग क्या करता है, डिस्करेज करता है मोनोकल्चर प्रैक्टिस को, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। तो बिल्कुल सही बात है, जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग होता है कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, तो सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज कर सकता है, लेकिन जो परमा कल्चर है ये आपको रिड्यूस होता है। तो ये भी सही है, जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है इज इजली पॉसिबल इन सच रीजन्स, सच रीजन्स जो कन्वेंशनल केमिकल एनर्जी है वो इजली पॉसिबल नहीं है, ये परमा कल्चर इजली पॉसिबल, तो ये गलत हो गया आपका। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल वन, तो कन्वेंशनल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 1, 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं पाम ऑयल पे। तो पाम ऑयल जो है ये डिराइव होता है आपका पाम ट्री से, जो कि नेटिव है वेस्ट अफ्रीका का, और ग्रो बेस्ट कहाँ पे ग्रो होता है आपका, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे कि जहाँ पे एबंडेंट वाटर होना चाहिए, और ये इंपोर्ट होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट इनटू साउथ ईस्ट एशिया इन द मिड 19th सेंचुरी में ये इंपोर्ट हुआ करता था। जो ऑयल पाम है, पाम ऑयल है, ये आपको फ्लरिश कर देता है ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में, और एक हाई इल्ड देखने को मिलेगा व्हेन ग्रोन 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ग्रो करेगा, जैसे इल्डिंग काफ़ी हाई होगा। जो पाम स्लज ऑयल है इज द फ्लोटिंग रेसिड्यूअल ऑयल दैट सेपरेटेड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ पाम डिस्चार्ज टू द पॉन्ड। ठीक है, तो जो इनिशियल आपको डिस्चार्ज होता है वहाँ पर जो फ्लोटिंग आपको एक रेसिड्यूअल ऑयल देखने को मिलता है उसे बोलते हैं पाम स्लज ऑयल। जो पाम स्लज ऑयल इज करेंटली बिंग कैटेगराइज अंडर द स्लज ऑयल एज इट एग्जिबिट्स हाई फ्री फैटी एसिड, यहाँ पे क्या होता है हाई फ्री फैटी एसिड देखने को मिलता है, एंड वेरी लो डेटोरिएशन ऑफ ब्लीचिबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ड्यू टू द इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ पी एस ओ दिस रेसिड्यूअल ऑयल कैनॉट बी यूज डायरेक्टली एज अ फूड सोर्स, फूड सोर्स के रूप में इसको यूज नहीं कर सकते, बट नॉर्मली बींग यूज फॉर लो ग्रेड लॉन्ड्री सोप फॉर्मुलेशन टू सब्सटीट्यूट पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट। कन्वेंशनली जो वोलेटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड होगा हैज बिन वाइडली यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द फ्रेग्रेंट इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम बाय द एस्टरीफिकेशन प्रोसेस। इट रिफाइंड द पी एस ओ कैन बी अप्लाई डायरेक्टली एज अ बॉयलर फ्यूल रॉ मटेरियल्स फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि विथ रेफरेंस टू द पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग सेगमेंट्स। द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका का नेटिव है, साउथ ईस्ट एशिया में हम ये इम्पोर्ट किया करते थे mid 19th century में, ये गलत हो गया। पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री लाइक लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, तो सही बात है। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, ये भी सही है, 2 and 3 विल द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें शुगर केन की बात करें, तो शुगर केन का जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 21 to 27 degree Celsius होगा विथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 21 to 27 degree Celsius होगा विथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, रेनफॉल कितना चाहिए, तो अराउंड 75 to 100 cm शुगर केन को। सॉइल टाइप की बात करें तो ये चाहिए को डीप रिच लोमी सॉइल, डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए। ठीक है, टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार। कंपेरिजन विथ वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद क्या है आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। यूनिक फैक्ट्स देखें तो इट कैन बी ग्रोन ऑन ऑल वैरायटी ऑफ सॉइल्स, ये लगभग सभी वैरायटी ऑफ सैंड में ग्रो कर जाएगा। गिवन दिस सॉइल्स शुड बी वेल ड्रेन, सॉइल क्या होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए। इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक मैनुअल लेबर इसमें चाहिए। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि आपका स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग्स, नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल्स, बट चीप टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है इसके ग्रो करने में, इसको ग्रो कराने में। इसे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द मास एंड इनेबल क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड्स, एक तो मास रिड्यूस होता है, इसके अलावा सीड्स जो है ना बहुत क्विकली मल्टीप्लाई होगा। इट हैज़ प्रूव टू बी मोर इकोनॉमिकल दैन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लांटिंग 2 to 3 बर्ड सीड्स। ठीक है, रिटर्न आर रिलेटिवली बेटर विद सब्सटैंशियल सेविंग ऑन द सीड मटेरियल, ये कुछ फ़ायदे हो गए बर्ड चिप टेक्नोलॉजी के।
सेट्स हैविंग टू बर्ड्स आर गिविंग जर्मिनेशन अबाउट 65 to 70% विथ बेटर यील्ड। ठीक है, अगर दो बर्ड है उसमें तो जो जर्मिनेशन दे रहा है रेट में, उसमें लगभग 65 to 70% आपका इसमें से यील्ड मिलेगा। जो लार्ज सेट्स होगा, एक उसका बेटर सर्वाइवल चांस होगा अंडर बैड वेदर, लेकिन जो सिंगल बर्डेड सेट होगा उसका 70% जर्मिनेशन होगा अगर उसको प्रोटेक्ट किया जाए विथ केमिकल ट्रीटमेंट। कुछ सिंपल क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशेंट क्रॉप। लीस्ट वाटर एफिशेंट, तो ये शुगर केन है, सबसे कम वाटर एफिशेंट है, मतलब पानी इसको बहुत चाहिए। ठीक है, शुगर केन आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका जीरो टिलेज और नो टिलेज, 2020 का क्वेश्चन आया था। तो जीरो टिलेज क्या होता है, इट इज द प्रोसेस वेयर द क्रॉप सेंड वेयर द क्रॉप सीड विल बी सोन थ्रू ड्रिलर्स विदाउट प्रायर लैंड प्रिपरेशन। तो बिना लैंड प्रिपरेशन के ड्रिलर्स का यूज करके क्रॉप सीड को की बुआई किया जाता है, सो किया जाता है। एंड डिस्टर्बिंग द सॉयल वेयर प्रीवियस क्रॉप स्टबल्स आर प्रेजेंट, जहाँ पर प्रीवियस क्रॉप स्टबल्स है वहाँ पर सॉयल को डिस्टर्ब किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा, लेस सॉयल इरोजन देखने को मिलेगा विंड और वाटर के कारण, लेस सॉइल कंपैक्शन होगा, मोर फर्टाइल एंड रेजिलेंट सॉइल होगा, लेस मॉइस्चर इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, लोअर फ्यूल एंड लेबर कॉस्ट देखने को मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाएगा, इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड वीड इफेक्ट भी कम हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ जीरो टिलेज इक्विपमेंट है वो लगेगा, इनिशियल कॉस्ट लगेगा सिर्फ। गलीज कैन फॉर्म इन द फील्ड्स, फील्ड्स में गलीज फॉर्म हो सकते हैं। हर्बिसाइड्स इंक्रीज यूज ऑफ इसके यूज बढ़ जाए उसका यूज बढ़ जाएगा। जीरो टिलेज डायरेक्ट सीडेड राइस की बात करें तो ये एक अल्टरनेटिव क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट मेथड है राइस के लिए, जहाँ पर सीड को क्या करते हैं, डायरेक्टली सो करते हैं विदाउट रेजिंग देम इन नर्सरी, बिना नर्सरी में रेज किए हुए, अलग से रेज किए हुए, और इसको कर सकते हैं जीरो टिलेज कंडीशन में कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करें तो इज पॉसिबल इफ क्रॉप्स आर नॉट बर्न्ड, क्रॉप्स बर्न नहीं करेंगे, लैंड इज प्रिपेयर थ्रू मैकेनिकल एजिटेशन, उसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कंजर्वेशन टिलेज की अगर बात करें तो इट मीन्स एनी मिनिमल टिलेज सिस्टम दैट लीव सफिशियंट क्रॉप रेसिड्यू टू कवर द सॉयल सर्फेस बाई एटलीस्ट 30%। जो सॉयल सर्फेस को कम से कम 30% तक कवर कर रखा है जो सफिशियंट क्रॉप है उसको बोलेंगे कंजर्वेशन टिलेज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जीरो टिलेज का क्या एडवांटेज है, तो सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग ऑफ रेसिड्यू इन द प्रीवियस क्रॉप। तो बिना जलाए हुए रेसिड्यू को पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल, अगर सॉइल वेट है तो बिना नर्सरी में राइस सैपलिंग को ग्रो किए हुए डायरेक्ट प्लांटिंग कर सकते हैं पैडी सीड्स को वेट सॉइल में, तो ये भी सही है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, इसका आंसर हो गया D 1 2 3। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन टिलेज दिया हुआ है, एक तो रिसोर्स टाइम और मनी में, टाइम कम हो जाएगा, मोर फैमिली टाइम मिलेगा, फ्यूअर पासेस एंड लेस इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सॉइल हेल्थ में होगा, इम्प्रूव सॉइल एग्रेशन फ्रॉम रूट्स टू सर्विस, ऑर्गेनिक मटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर की बात करें तो इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी, रिड्यूस सेडिमेंट लोडिंग, इम्प्रूव वाटर क्लैरिटी, रिड्यूस्ड न्यूट्रिएंट रन ऑफ। ठीक है, ब्लैक ग्राम क्या होता है, तो एक वार्म काला चना, ये क्या होता है, वार्म वेदर क्रॉप होता है, और कहाँ पे आ गया, जहाँ पे एरिया आपको एनुअल रेनफॉल देखने को मिलेगा 600 से 1000 मिलीमीटर के बीच में। ये आपको मेनली कल्टीवेट होता है सीरियल पल्स क्रॉपिंग सिस्टम में, प्राइमरी टू कंजर्व सॉइल न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करने के लिए, और जो लेफ्ट ओवर सॉइल मॉइस्चर है उसको यूटिलाइज करने के लिए आफ्टर राइस कल्टिवेशन, राइस के बाद उसको उगाया जाता है। जो मेजर द मेजोरिटी ऑफ ब्लैक ग्राम कल्टिवेशन है और फॉल्स इन आइदर रवि राबी और लेट राबी सीजन, पार्टिकुलरली इन द पेनिनसुलर इंडिया। क्वेश्चन इसमें क्या है कि विथ रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, ब्लैक ग्राम इज कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, ये बिल्कुल सही बात है। जो ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन, ये गलत है। इन लास्ट 3 decades वाइल्ड प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्स ऑल्सो हैज डिक्रीज, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 only। कॉटन की बात करें तो कॉटन को टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्या होता है, 21 to 30 डिग्री सेल्सियस, 21 to 30 डिग्री सेल्सियस। बारिश कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, तो 50 से 100 सेंटीमीटर के। सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए, तो वेल
ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉइल होना चाहिए डेक्कन प्लेटू वाला। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। कंडीशन चाहिए, कॉटन को चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन फॉर दिस ग्रोथ। ग्रोथ के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए और 210 दिन आपको चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए कॉटन को, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। मैच्योर होने के लिए आपको 6 से 8 महीना का टाइम चाहिए और ये खरीफ क्रॉप है। कॉटन क्या है? खरीफ क्रॉप है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की बात करें तो बीटी कॉटन टू फाइट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड पेस्ट अटैक। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और पेस्ट अटैक से बचने के लिए बीटी कॉटन लाया गया था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो सिल्वर फाइबर रिफोलेशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, ये लाया गया था, ठीक है। ये आपका दिया हुआ टॉप 10 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। क्वेश्चन क्या है कि द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। सब ट्रॉपिकल, ए हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजरियस टू इट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 5200 सेंटीमीटर रेनफॉल फॉर दिस ग्रोथ। लाइट वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, इज आइडियली सुटेबल फॉर द वर्टिब्रेशन ऑफ क्रॉप। ये आंसर हो गया कॉटन। अगर हम जूट की बात करें तो जूट को जो रिक्वायरमेंट होगा टेम्परेचर का वो होगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए इसको 150 से 250 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप होना चाहिए आपको, मेनली कहाँ पे मिलेगा? तो ईस्टर्न इंडिया पे मिलेगा, बिकॉज रिच एलोवियल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में रिच एलोवियल सॉइल मिलता है, वहाँ पर ये ग्रो करेगा। तो टॉप जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गया आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, असम, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो गया। अगर वर्ल्ड में कंपेयर करें तो इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। इंडिया क्या है? जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इसके यूज़ की बात करें तो गनी बैग बनाने में यूज होता है, मैट्स, रोप्स, यार्न बनाने में यूज़ होगा। चैलेंज की बात करें तो इसका हाई कॉस्ट के कारण इट इज़ लूजिंग मार्केट, इसका मार्केट मार्केट कम हो रहा है बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स आ चुके हैं, और ठीक है इस कारण से। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो गोल्डन फाइबर रिफोरेशन टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट एंड मिस्ता, ये लाया गया था। अगर हम शुगर केन की बात करें तो उसका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो आपको होगा 21 to 27 डिग्री सेल्सियस विथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। बारिश कितना चाहिए? तो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए। टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो यूपी आपका हो गया, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड बिहार हो गया। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार हो गया। अगर इंडिया क्या है? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील, ठीक है। यूनिक फैक्ट की बात करें तो ये आपको ऑल वैरायटी ऑफ सॉइल में ये हो जाएगा, बस जो सॉइल होना चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और यहाँ पे मैनुअल लेबर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो इस स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्कूल शुगर अंडरटेकिंग्स लगाया गया। फिर नेशनल पॉलिसी एंड बायोफिल्स लाया गया। फिर एक बर्ड चिप टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करते हैं शुगर कोन को ग्रो करने में, ठीक है। और अगर दो बर्ड का सेट है तो उसका जो होगा 75 to 65 to 70% के करीब होगा उसका यील्ड, ठीक है। लार्जर सेट है तो क्या होगा? बेटर सर्वाइवल होगा बैड वेदर के अंदर। अगर टी की बात करें तो टी का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है? टी का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है आपका? बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल चाहिए टी में 150 to 300 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सॉइल होना चाहिए वो डीप होना चाहिए, फर्टाइल और वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होना चाहिए। स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिल्स हैव ह्यूमिड क्लाइमेट, जो ईस्टर्न हिल का स्लोप होता है वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है एंड एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल विदाउट वाटर लॉगिंग, बिना वाटर लॉगिंग के। विच आर ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर टेरेस फार्मिंग, जो टेरेस फार्मिंग के लिए क्या होता है ऑप्टिमल कंडीशन होता है। टॉप टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया। इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, ठीक है। काफ़ी लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पे आपको एबंडेंट चीप और स्किल्ड लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और ये टी जो है आप टी गार्डन के अंदर ही प्रोसेस करते हैं टू रिटेन इट्स फ्रेशनेस, उसके फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, वेज कंपनसेशन स्कीम एंड टी बुटिक्स वगैरह, ठीक है। शुगर केन पर फिर से क्वेश्चन आया, तो शुगर केन विथ क्वेश्चन क्या है कि विथ रेफरेंस टू करेंट ट्रेंड्स इन द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
ए सब्सटैंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड विन द ब्लू चिप सेटिंग्स आर रेज्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। ठीक है, तो ये अगर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो टेम्परेचर इसका रिक्वायरमेंट है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए विथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल चाहिए आपको 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, डीप रीच लोमी सॉइल चाहिए। जो टॉप शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। अगर वर्ल्ड में कंपेयर करें तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। ठीक है, ये आपको ग्रो कर सकता है ऑल वैरायटी ऑफ सॉइल में। बस सॉइल क्या होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए और ज़्यादा मैनुअल लेबर का रिक्वायरमेंट पड़ता है फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख चुके हैं, ब्लू चिप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और ये आपको देख ही चुके हैं। तो ये इसमें यही दिया हुआ है कि सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड विन बर्ड चिप सेटिंग। जब बर्ड चिप सेटिंग, ये हम बर्ड चिप सेटिंग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सब्सटेंशियल सेविंग होगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, वेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विथ सिंगल बर्डेड सेट्स एज कम्पेयर टू सेट्स विथ मेनी बर्ड्स। तो ये आपको गलत हो गया, सिंगल ब्रेड सेट्स और यहाँ पर कंफ्यूजन दिया हुआ है। ठीक है, जो लार्ज सेट्स होगा हैव अ बेटर सर्वाइवल ऑन बैड वेदर बट सिंगल ब्रेड सेट्स ऑल्सो गिव 70% जर्मिनेशन इफ प्रोटेक्टेड विथ केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट करेंगे तब जाके 70% जर्मिनेशन रेट हो जाएगा, लेकिन जो सिंपल जो दो बर्ड्स वाला सेट होगा उसका जर्मिनेशन होगा 65 to 70% विथ बेटर यील्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, इफ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल वेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल ब्रेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू लार्ज सेट। तो ये गलत है, शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। ये सही हो जाएगा 1 and 4। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिगेशन क्या होता है। तो फर्टिगेशन क्या है, एक मेथड है फर्टिलाइजर अप्लीकेशन का। फर्टिलाइजर अप्लीकेशन का एक तरीका है जिसमें जो फर्टिलाइजर होता है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है इरिगेशन वाटर के अंदर ही और वो ड्रिप सिस्टम के तहत उसको इरिगेट कर दिया जाता है। ठीक है, जो फर्टिलाइजर सॉल्यूशन होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इवेनली इन इरिगेशन, पूरे इरिगेशन में। और इस मेथड में जो लिक्विड फर्टिलाइजर है एज वेल एज वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर वो यूज़ किया जाता है। जो फर्टिलाइजर यूज़ एफिशिएंसी इज इंक्रीज, जो फर्टिलाइजर यूज़ एफिशिएंसी है वो आपको इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 80 to 90%। 80 to 90% आपको क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, एक तो ड्रिप इरिगेशन हेल्प्स टू अवॉइड वाटर स्पिलेज ऑन फील्ड विच इंक्रीजेज सॉइल एल्कलिनिटी बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। अब ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं इसमें तो इससे क्या होगा, जो वाटर स्पिलेज होता है फील्ड पे वो अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, और वाटर स्पिलेज से क्या होता है, सॉइल एल्कलिनिटी भी इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो जाएगी, नहीं होगी। इसके अलावा जो यूरिया है, पोटास है एंड हाईली वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, ये अवेलेबल होता है अप्लाइंग थ्रू फर्टिगेशन के थ्रू। लेकिन जो रॉक फॉस्फेट होता है इज़ नॉट वाटर सॉल्युबल, चूँकि वाटर सॉल्युबल नहीं होता है एंड दस नॉट सुटेबल फॉर फर्टिगेशन। अगर आपको रॉक फॉस्फेट अप्लाई करना है तो ये फर्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा अप्लीकेशन ऑफ सुपर फॉस्फरस थ्रू फर्टिगेशन मस्ट बी अवॉइडेड। फर्टिगेशन के थ्रू जो सुपर फॉस्फरस का अप्लीकेशन करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये फॉस्फेट साल्ट का परसिपरेशन बनाता है। दस फॉस्फेरिक एसिड इज मोर सुटेबल फॉर फर्टिगेशन एज इट इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है फॉस्फेरिक एसिड, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो करता है 80 से 90% के बीच में, जिससे क्या होता है, विच हेल्प टू सेव मिनिमम ऑफ 25% ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो लगभग 25% न्यूट्रिएंट्स को बचाने में हेल्प करेगा। और क्या करता है, इट रिड्यूसेस द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स। केमिकल न्यूट्रिएंट्स के लीचिंग को भी रिड्यूस किया जाता है एज फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड इन अ टारगेटेड मैनर। जो फर्टिलाइजर्स होता है ये अप्लाइड किए जाते हैं टारगेटेड मैनर में। फर्टिलाइजर्स कौन कौन से यूज किया जाता है, तो यूरिया, पोटास, हाईली वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आर अवेलेबल फॉर अप्लाइंग थ्रू फर्टिगेशन। कुछ स्पेशल फर्टिलाइजर जैसे कि आपका मोनो अमोनियम फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, पॉलीफीट नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम हो गया, फिर नाइट्रोजन पोटासियम हो गया या पोटासियम सल्फर हो गया। ठीक है, ये सब क्या सुटेबल है फर्टिगेशन के लिए। तो वट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कौन कौन सा एडवांटेजेस हैं। तो कंट्रोलिंग द कलिनिटी ऑफ इरीगेशन वाटर इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है जैसे हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, एफिशियंट अप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। रॉक फॉस्फेट नहीं किया जाता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं होता है,
इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल। तो न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज अवेलेबिलिटी हो जाएगा प्लांट्स को, ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल है। इसका आंसर क्या, C 1, 3 और 4। ठीक, अब बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप क्रॉप्स इन कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन लास्ट 5 ईयर्स। अगर बात करें एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन, तो एरिया जो अंडर राइस कल्टीवेशन था 2015-16 में वो लगभग था 435 लाख हेक्टेयर। ये बढ़ के हो गया 437.8 लाख हेक्टेयर इन 1920 में, जो कि हाईएस्ट था सभी के बीच में एंड इज हाईएस्ट अमंग ऑल। इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया द लास्ट 5 ईयर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन, एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज द हाइएस्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें एरिया अंडर ज्वार एंड आयलसीड कल्टिवेशन, तो एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज लेस दैन दैट ऑफ आयलसीड। तो आयलसीड के कंपेरिजन में जो ज्वार का कल्टिवेशन होता है वो कम होता है, कम एरिया है। द एरिया अंडर आयलसीड कल्टिवेशन इन 2019-20 इज 270 लाख हेक्टेयर आयलसीड के अंदर था, और ज्वार के अंदर 240। ठीक है, तो ये आप गलत हो जाएगा कि ज्वार के अंदर कम है। अगर हम बात करें एरिया एंड कॉटन, एरिया अंडर कॉटन एंड शुगर कैन कल्टिवेशन में, तो कॉटन कल्टिवेशन का जो एरिया था वो था 133 लाख हेक्टेयर, और शुगर कैन का था सर, शुगर कैन का था 45.7 लाख हेक्टेयर, तो कॉटन का ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें एरिया अंडर शुगर कैन कल्टिवेशन, एरिया अंडर शुगर कैन कल्टिवेशन इज शोइंग अ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, ये एक फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड शो कर रहा है, कोई स्टेडली डिक्लाइन या इंक्लाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल रहा है स्टेडली डिक्रीज, तो ये गलत हो गया, तो 1 और 3 विल द करेक्ट आंसर। ठीक है, द आयलसीड प्रोडक्शन इन इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज सिंस 2016-17 से जो आयलसीड का प्रोडक्शन है वो लगातार इंक्रीज हुआ है। आफ्टर शोइंग अ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड प्रायर टू दैट इट हैज़ ग्रोन बाई ऑलमोस्ट 43% फ्रॉम 2015-16 टू 2020-21। ठीक है, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड नंबर वन इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल आयल, तो वेजिटेबल आयल का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ठीक है, एज पर OECD FAO एग्रीकल्चर आउटलुक 2021-2030 इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू मेंटेन अ हाई पर कैपिटा वेजिटेबल आयल कंजम्पशन ग्रोथ ऑफ 2.6% पर एनम रीचिंग 14 kg पर कैपिटा बाई 2030 नेसेसिएटिंग ए हाई इम्पोर्ट ग्रोथ ऑफ 3.4% पर एनम। तो ये सारा चीज़ें डाटा है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक फार्मिंग सिस्टम है जो क्या कर सकता है, प्रिवेंट लॉसेस ऑफ एरेबल लैंड वाइल रीजेनरेटिंग डिग्रेडेबल लैंड। तो लैंड डिग्रेड हो चुका है उसको रीजेनरेट करके हम जो एरेबल लैंड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इट प्रमोट्स मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट सॉइल कवर, परमानेंट सॉइल कवर के मेंटेनेंस को भी प्रमोट किया जाता है, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस हो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज हो। ठीक, इट इन्हांसेस बायोडाइवर्सिटी, इट इन्हांसेस बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस एवव एंड बिलो द ग्राउंड सर्फेस। ठीक, विच कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी एंड टू इम्प्रूव एंड सस्टेन्ड क्रॉप प्रोडक्शन। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो मिनिमम टीलेज एंड सॉइल डिस्टर्बेंस, परमानेंट सॉइल कवर विथ क्रॉप रेसिड्यूज एंड लीफ मल्चेस एंड क्रॉप रोटेशंस एंड इंटरक्रॉपिंग, ये कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम सिग्निफिकेंस, विच आर द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, कौन कौन सा आता है। तो अवॉइड मोनोकल्चर प्रैक्टिस, मोनोकल्चर प्रैक्टिस को अवॉइड करना, ये इसमें प्रिंसिपल में नहीं आएगा आपका। ठीक है, अडॉप्टिंग मिनिमम टीलेज, तो मिनिमम टीलेज को अडॉप्ट करना है, ये बिल्कुल सही बात है, मिनिमम टीलेज को अडॉप्ट करना है। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप्स की कल्टिवेशन को क्या करना है, अवॉइड करना है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है,
यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर द सॉयल सरफेस, सॉयल सरफेस को कवर करने के लिए आपको क्रॉप रेसिड्यू का यूज करना है, ठीक है, कर सकते हैं। अडोप्टिंग स्पेसिव एंड टेम्परल क्रॉप सिक्वेंस क्रॉप रोटेशन, तो ये भी सही है। 2-4 इसका 5 आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। एग्रीकल्चर सॉइल की बात करें तो सॉइल्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ गिवन सॉइल कैन होल्ड फॉर क्रॉप यूज। तो क्रॉप यूज के लिए जो एक गिवन सॉइल पानी अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है उसको बोलते हैं सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो प्लांट रेसिड्यू है दैट कवर द सॉइल सर्फेस, जो सॉइल सर्फेस को कवर करता है, प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम सीलिंग एंड क्रस्टिंग बाई रेन ड्रॉप इम्पैक्ट विच इन्हांसेस रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस रन ऑफ, ठीक है। तो प्लांट रेसिड्यू क्या करता है, जो सॉइल सर्फेस को कवर करेगा वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा सॉइल को फ्रॉम सीलिंग एंड क्रस्टिंग बाई रेन ड्रॉप इम्पैक्ट, जो जिससे क्या होगा, इन्हांस हो जाएगा रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस करेगा रन ऑफ को। ईच 1% इंक्रीज इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर हेल्प्स टू होल्ड 20,000 गैलन्स मोर वाटर पर एकर। अगर 1% सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हुआ है तो इससे पर एकर 20,000 गैलन ज़्यादा पानी होल्ड हो जाएगा, ठीक है। सल्फर इज वन ऑफ द 3 न्यूट्रिएंट्स दैट आर साइकिल्ड बिटवीन द सॉइल प्लांट मैटर एंड एटमोसफेयर। तो सल्फर क्या है, सबसे ज़्यादा जो 3 न्यूट्रिएंट होते हैं आपको उसमें से सबसे ज़्यादा सल्फर ही है, उसका साइकिलिंग होता है, मतलब ये मूव करता है बिटवीन सॉइल प्लांट मैटर और एटमोसफेयर के बीच में। जो सैलिनाइजेशन अकर्स विद एक्सेसिव इरीगेशन, अगर एक्सेसिव इरीगेशन करते हैं तो क्या होता है, सैलिनाइजेशन होता है बिकॉज डिपॉजिट ऑफ साल्ट बिल्डअप इन द सॉइल। जो साल्ट का डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट होगा उस सॉइल में, धीरे धीरे बिल्डअप करेगा एंड कैन रीच लेवल दैट आर हार्मफुल टू क्रॉप, जो हार्मफुल क्रॉप्स के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर सॉइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो वाटर कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल में, वाटर कंटेंट ऑफ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर का हाई कंटेंट है वो क्या करेगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, ये गलत बात है, बढ़ाएगा, ठीक है। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, ये भी गलत है। सल्फर साइकिल में सॉइल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो इरीगेशन ओवर टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड्स, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा B3 ओनली। ये आपका दिया हुआ ड्रिप इरीगेशन और ट्रिकल इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन को हम ट्रिकल इरीगेशन भी कहते हैं, या माइक्रो इरीगेशन भी कहते हैं, या लोकलाइज इरीगेशन भी कहते हैं। और ये एक इरीगेशन का मेथड है जिसमें, जिसे पानी की बचत होती है एंड फर्टिलाइजर्स की बचत होती है। तो इसमें पानी को हम अलाउ करते हैं कि डायरेक्टली क्या हो, जो प्लांट्स के रूट हो वो डायरेक्टली रूट्स पे जाके अटैक करे, रूट्स पे जाके अप्लाई हो जाए, ठीक है, आइदर सॉइल सरफेस के ऊपर या डायरेक्टली उसके रूट जोन में थ्रू ए नेटवर्क ऑफ वाल्व्स पाइप ट्यूबिंग और इमीटर। इसका एडवांटेज क्या है, एक तो मैक्सिमम यूज देखने को मिलेगा अवेलेबल वाटर का, ठीक है। नो वाटर बिंग अवेलेबल टू वीड्स, जो वीड्स अवेलेबल होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, उसको वाटर नहीं मिलेगा डायरेक्टली, हमको जो जिस प्लांट को देना है उसे ही पानी मिलेगा, जिससे क्या होगा, क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगी, हाई एफिशिएंसी हो जाए देखने को मिलेगा इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, वीड ग्रोथ कम हो जाएगा, पॉपुलेशन उसका कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ फायदे हैं। रिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल होस्ट, लो लेबर एंड रिलेटिवली लो ऑपरेशन कॉस्ट लगेगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, इम्प्रूव्ड इनफिल्ट्रेशन इम्प्रूव हो जाएगा सॉइल में, ठीक है। रेली एडजस्टमेंट टू सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक कंट्रोल, नो रन ऑफ ऑफ फर्टिलाइजर इनटू ग्राउंड वाटर। इसके अलावा लेस इवेपोरेशन लॉसेस, पानी का लॉस कम हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, टीलेज ऑपरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब कुछ के फायदे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि विच आर द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन। तो रिडक्शन इन वीड, यस। रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, तो ये नहीं होगा, रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर जाएगा C1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया क्या है ना, इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर ऑफ राइस है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है राइस का। एवरेज यील्ड अगर राइस का पूछ लिया जाए इंडिया में, तो ये है 2.3 टन पर हेक्टेयर अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज है 4.374
टन पर हेक्टेयर, और इंडिया का ग्लोबल एवरेज से भी कम है। चाइना का 6.5 है, ऑस्ट्रेलिया का 10 है, यूएस का 7.5 है, लीड्स इन द प्रोडक्टिविटी फिगर ऑफ राइस। इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, इंडिया का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस का, ठीक है। इंडिया हैव द हाईएस्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ राइस, इंडिया क्या है हैव द हाईएस्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम है, हैव द हाईएस्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ राइस है वर्ल्ड वाइड एट 18.75 मिलियन मेट्रिक टन्स एज ऑफ 2021 2022, ठीक है। वियतनाम वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, वियतनाम क्या है सेकेंड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर रहा है, ठीक है, विद अबाउट 6.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ राइस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो वो क्या है इंडिया होगा, ठीक है। अगर हम N2O इमिशन की बात करें तो जो एग्रीकल्चर सॉयल होता है आपको लगभग 70% 70% N2O इमिशन को कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में 2010 के हिसाब से। उसके बाद वेस्ट वाटर हो गया 12%, रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज 6%। 2002 से जो N2O हैज रिप्लेस्ड मिथेन एज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर से N2O ने रिप्लेस कर दिया है मिथेन को सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन के रूप में, ठीक है। कैटल अकाउंट फॉर 80% ऑफ द अमोनिया प्रोडक्शन, तो अमोनिया प्रोडक्शन का 80% कहाँ से आता है कैटल से आता है, थ्रू द एनुअल ग्रोथ रेट इज 1% ड्यू टू स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है। द पोल्ट्री इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड विथ एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6% रिकॉर्डेड एन एक्सक्रेशन ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ 0.415 टन्स इन 2016, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, तो बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर सॉइल है वो क्या करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। जो कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, कैटल अमोनिया रिलीज करता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, ये भी सही है, इसका आंसर क्या है डी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू द एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स, नए क्रॉप्स का एडिशन और क्रॉपिंग सिस्टम का टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ऑन अ पार्टिकुलर फार्म टेकिंग इंटू अकाउंट द डिफरेंट रिटर्न फ्रॉम वैल्यू एडेड क्रॉप्स विद कम्प्लीमेंट्री मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। बेनिफिट्स इंक्लूड इंक्रीज इन फार्मर इनकम, रिड्यूस रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर, फूड सिक्योरिटी, मैनेज प्राइस रिस्क, ठीक है। तो ये अलग अलग आपका दिया हुआ डाइवर्सिफिकेशन, इसको आप देख सकते हैं। फिर एक होता है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट दैट हैव वेजिटेबल और एज फूड्स ग्रोन फ्रॉम द ग्राउंड नॉब्स दैट इन्हांस द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के एबिलिटी को इन्हांस करें उसको बोलेंगे लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एरिकेसिया, पीस, क्लोवर, बीन्स। लेग्यूम्स कैन इम्प्रूव सॉयल हेल्थ, लेग्यूम्स क्या कर सकते हैं सॉयल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है बाई एडिंग नाइट्रोजन ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूस इरोजन एंड लीचिंग लॉस, ठीक है। टेंसियोमीटर की बात करें तो ये क्या होता है, इट लिटरली मीन्स टेंशन मेजरमेंट, ठीक है। टू एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए प्लांट हैज टू ओवरकम द सरफेस टेंशन ऑफ सॉइल, सॉइल के ऊपर जो सरफेस टेंशन होता है उसको ओवरकम करना पड़ता है तब उसको पानी मिलेगा। तो ये हम जो मेजर करेंगे टेंसियोमीटर से, ये फार्मर को हेल्प करता है एंड दूसरे इरीगेशन मैनेजर्स को ये डिटरमाइन करने में कि वेन टू वाटर द सॉइल, सॉइल को पानी कब देना है। वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन वर्टिकली स्टैक्ड लेयर, वर्टिकली स्टैक्ड लेयर में क्रॉप्स ग्रो करने का जो तरीका होता है एंड ऑफन इनकॉर्पोरेट्स कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर विच एम्स टू ऑप्टिमाइज प्लांट ग्रोथ एंड सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है। एक्वापोनिक्स क्या होता है, तो इट इज सिस्टम दैट कम्बाइंस हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर को मिला लेंगे क्लोज सिस्टम के अंदर तो बन जाएगा एक्वापोनिक्स। थ्री बायोलॉजिकल कंपोनेंट इन द एक्वापोनिक प्रोसेस, सबका फिशेस, प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये आप इस तरह से काम करता है। क्वेश्चन क्या है इसमें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी द प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यस, लेगोम इंटेंसिफिकेशन यस, टेंसियोमीटर यूज, वर्टिकल फार्मिंग नहीं है। तो इको फ्रेंडली में आपका सिर्फ और सिर्फ ये तीन आएगा।
ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि राइस पे है कि अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मिथेन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड। तो राइस की बात करें तो मिथेन और नाइट्रोस ऑक्साइड दो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस हैं, मिथेन और नाइट्रोस ऑक्साइड। ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही नया कंट्रीब्यूशन रहा है, जो इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, मैनमेड सोर्स है इस बायोजेनिक मिथोन का। ये क्या है, वेट राइस है, वेट राइस फील्ड है, कैटल है, एनिमल वेस्ट है, लैंडफिल है, बायोमास बर्निंग है। ठीक है, जो फ्लडेड राइस कल्टिवेशन होता हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मिथेन इमिशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है मिथेन का। पैडीज आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन एज वेल। इन पैडीज बोथ द सॉयल एंड राइस प्लांट्स आर इमिट N2O इनटू द एटमोसफेयर। तो दोनों ही इमिट करता है, तो ये आंसर हो गया बी। वीट की बात करें तो वीट क्या एक रबी क्रॉप है, जिसको एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए रिपनिंग के टाइम में। टेम्परेचर की बात करें वीट का तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए सोइंग टाइम में, और 21 से 26 चाहिए इसको रिपनिंग राइपनिंग और हार्वेस्टिंग के टाइम में। इतना ब्राइट सनलाइट, बारिश चाहिए उसको 75 से 100 सेंटीमीटर। सॉयल चाहिए वेल ड्रेन फर्टाइल लोमी एंड क्लेई लोमी सॉयल, जो गंगा सतलज प्लेन हो गया, ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ डेक्कन हो गया। टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। ये क्या है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया का आफ्टर राइस। ठीक है, टी की बात करें तो टी का देख चुके हैं ऑलरेडी, तो पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द एवर आर द जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो टी में जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आपको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। बारिश कितना चाहिए, तो 150 to 300 सेंटीमीटर के बीच में। आपको डीप एंड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए, जो रिच हो आपको ह्यूमस और ऑर्गेनिक मटर में, जो ईस्टर्न स्लोप का स्लोप होता है उसको ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल विदाउट वाटर लॉगिंग, ये ऑप्टिमल कंडीशन है। और टॉप जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है आपका, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है। आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है। ठीक है। और इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। ये लेबर इंटेंसिव है, आपको अबंडेंट चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए, और जो टी है उसका प्रोसेसिंग आपको टी गार्डन के अंदर ही करना पड़ता है। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम हो गया, वेज कंपनसेशन स्कीम हो गया, टी बुटिक्स हो गया। टी बोर्ड किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। और यहाँ पे कौन कौन से हैं, असम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, केरला है, एंड कर्नाटका आर स्टेट्स जनरली नोन एज द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो कौन कौन है आपका, आंध्र प्रदेश है कि यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, केरला, केरला तो यहाँ पे है, केरला है, केरला है, केरला के बाद हिमाचल प्रदेश भी है और त्रिपुरा भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो इसका तीन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर, यहाँ पे खत्म हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।